हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन प्राइम पर रिलीज एक नई मूवी जिसका नाम है दृश्यम 2। हालांकि ये ओरिजिनल दृश्यम मूवी का सीक्वल है जो कि आपको मलयालम लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलता है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 33 मिनट की है और अभी रात के 2:45 बज रहे हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट का कीड़ा था वो रुक नहीं पाया और मैं सोचा कि चलो सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि ये मूवी उनको देखना है या नहीं। तो यार इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। खैर अब बात करें इस मूवी के प्लॉट की, जो कि फोकस करता है एग्जैक्ट पार्ट 1 के 6 साल बाद, जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी अभी भी अपना केबल टीवी का बिजनेस कर रहे, लेकिन साथ साथ अब वो एक थिएटर ओनर भी बन चुके हैं और उनकी फैमिली अभी तक वो सारी चीज़ें भुला नहीं पाई है 6 साल होने के बावजूद भी, और वो इसी बीच अपनी लाइफ को किसी भी तरह से जी रहे थे। लेकिन ऐसे में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बाद जॉर्ज कुट्टी और उनकी फैमिली की लाइफ फिर से पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो सारी चीज़ें क्या है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट कहीं से भी वेस्ट हो। मैं इस मूवी के कॉन्सेप्ट के लिए बस एक ही चीज़ बोलूँगा, माइंड ब्लोइंग। इस मूवी के दो ही हीरो हैं, पहले तो उसके राइटर और डायरेक्टर जेतू जोसेफ सर है और दूसरे मोहनलाल सर है। इन दोनों के वजह से ये मूवी इस लेवल की हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि अगर आप लोग दृश्यम मूवी के बहुत बड़े फ़ैन हो तो ये मूवी आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और स्टार्टिंग का जो 1 आवर है वहाँ पर फिर से एक बार डायरेक्टर ने हमें जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, जिससे दोबारा से हम लोग उसकी फैमिली से फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि फिर उसके बाद उनके साथ जो जो चीज़ें होती है वो एज एन ऑडियंस आप लोग फील कर पाते हो और शायद आपको ऐसा लगता भी कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। उसके बाद शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से हर एक सीन को शूट किया कहीं से भी कन्फ्यूजन होती है और मूवी की स्टार्टिंग में जो आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको पूरी तरह से हिला के रख देगी। उसके बाद एग्जैक्ट 1 घंटा 5 मिनट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और 1 घंटे 35 मिनट में एक ज़बरदस्त उससे भी बड़ा ट्विस्ट आता है। फिर उसके बाद लास्ट के जो 40 मिनट है वो तो बस आपकी स्क्रीन पर से नज़र हटने वाली है नहीं। मूवी का BGM एज यूजुअल बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। और इस बार एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 2 को कंपेयर करोगे तो पार्ट 2 मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, चाहे वो पेसिंग वाइज हो, चाहे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाइज हो, मतलब हर एक मामले में आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो एक हाइप क्रिएट हुई है दृश्यम 2 मूवी को लेकर बिल्कुल खरी उतरी है और मुझे लगता है कि ये मूवी किसी को भी ख़राब लगेगी। और अगर बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर 1 एंड ओनली मोहनलाल सर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस किया और आखिर के 40 मिनटों जो जो चीज़ें वहाँ पर उनने की है उसके लिए तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। यार उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोग ने अपने से रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। अगर आपको मलयालम लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो उसको सबटाइटल के थ्रू तो ज़रूरी एक बार तो इतना, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि इसके बाद जब रीमिक्स बनेगी तो रीमिक्स पे इतना ज़्यादा मज़ा है नहीं। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो सस्पेंस था वो सस्पेंस को उन्होंने इस पूरी मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप किया और क्लाइमैक्स आते आते जो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है कि भाई एंड में होगा क्या, वो बरकरार रहती है। और जो जो चीज़ें आप लोग एंड में देखते हो वो आप लोग गैस ही नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो यार ये 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करती है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को लाइक किया तो डिसलाइक भी कर देना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।